झंडूता चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली पंचायत जांगला के गांव सुंदड़ू की रहने वाली विधवा चंपा देवी के परिवार की मदद के लिए अब तक प्रशासन आगे नहीं आया है, लेकिन नेहा मानव सोसाइटी घुमारवी के पदाधिकारियों ने परिवार की आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए क्षेत्र में मिसाल कायम कर परिवार के लिए मुश्किल घड़ी में सहारा बने हैं। आपको बता दें कि बरसात के चलते विधवा चंपा देवी के परिवार का 4 कमरे का मकान गिर गया था, जबकि 2 वर्ष पहले ही परिवार के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है। परिवार का आय का कोई साधन न होने के कारण मानो चारों ओर से परिवार के ऊपर एक से एक मुसीबतें टूट पड़ी थी, लेकिन प्रशासन और पंचायत से गुहार के बावजूद आज तक कोई इस परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आया और न ही ये परिवार IRDP में डाला गया। नेहा मानव सेवा सोसाइटी के महासचिव पवन बरूर व अनिल बरूर ने विधवा परिवार के घर जाकर जहां आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाया, तो वहीं बच्चों की पढ़ाई पूरी न होते देख 1500 रूपए हर महीने देने का निर्णय भी लिया। इस सोसाइटी में कुल 385 मेंबर हैं और हर महीने सभी मेंबर 200 रूपया अपनी जेब से इकट्ठा कर हर महीने 51 बच्चों को 1500 रूपए देते हैं। मेरा मकान 6 महीने से गिरा हुआ है, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और मेरे घर में आय का कोई साधन नहीं है। आज तक कोई भी प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहायता नहीं मिली है। नेहा मानव सोसाइटी वालों ने मेरी सहायता की।